हाई गाइज, वेलकम और वेलकम बैक टू माई चैनल। हाई, माई नेम इज दीपांशी एंड आई मेक वीडियोज रिलेटेड टू ब्यूटी, फैशन एंड लाइफ स्टाइल। और आप टाइटल तो समझ ही गए होंगे आज की वीडियो क्या होने वाली है। तो आज की वीडियो होने वाली है मेरा यूज बैग कलेक्शन। मतलब यूज तो ऐसे मतलब बहुत सारे बैग है, बट इतने तो बैग है कि एक वीडियो के लिए काफी है। मतलब मेरे पास कम से कम 8-9 बैग है, तो मैं सोचा चलो आपके साथ शेयर कर दी। और कुछ अभी यहाँ पे मतलब थोड़े टाइम में मैंने एड ऑन किए, मतलब अभी 10 दिन पहले या 1 महीने पहले ही। काफी सारे बैग है, मतलब एक वीडियो के लिए काफी है। और सारे मेरे फेवरेट बैग हैं। और मैं आपको बैग की स्टार्टिंग में मतलब फर्स्ट बैग से लेकर जो अभी रिसेंटली परचेज बैग है सारे बैग दिखाने वाली हूँ। तो जल्दी से टाइम वेस्ट नहीं मांगी, वीडियो वैसे बहुत लंबी हो जाएगी अगर मैं इंट्रो में टाइम वेस्ट कर दूंगी। तो जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले आपको बताइए आपको क्या करना है। उससे पहले आपको मेरी वीडियो को लाइक करना, अगर अच्छी लगे अब चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अच्छे अच्छे कमेंट कर देना, बताना कि आपको कौन सा बैग सबसे अच्छा लगा। और आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो, इंस्टा की आईडी यहाँ पे कहीं हाईलाइट हो रही होगी तो आप मुझे इंस्टा पे फॉलो करो। तो जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट विद द फर्स्ट बैग। फर्स्ट बैग मतलब मेरा है कि जब मैं कॉलेज में थी ना, जब से मैं स्लिंग्स बैग मुझे शौक पड़ा है, तो मैंने फर्स्ट बैग लोकल मार्केट से परचेज किया था। तो ये है ब्लैक स्लिंग बैग, काफी अच्छा। मतलब इसकी क्वालिटी अभी भी जैसे मैंने लिया था वैसे ही, बस यहाँ पे थोड़ा सा मतलब काला हो गया। यहाँ पे स्टील का था, ये काला हो गया। और इसकी स्लिंग है, काफी बड़ी स्लिंग है, ब्लैक कलर का। और इसे मैंने कहा 250 या 200 रुपए का था, काफी बड़ी। मैंने लोकल मार्केट से लिया था, मैं बताऊँ मदनगीर से लिया था मैंने। और इसमें काफी स्पेशियस है, यहाँ पे ऐसे ओपन करने का। तो यहाँ पे ना स्लिंग का यहाँ पे 2 कंपार्टमेंट है, आप देख पाए 2 कंपार्टमेंट है। और इसमें काफी सारा, मैं इसमें पूरी दुनिया ले जाती हूँ। जब मैं कॉलेज में थी ना, कोई वैसे फेस्टिवल होता था, कोई फंक्शन होता था, मैं हमेशा ये वाला, क्योंकि मेरे पास जब यही बैग था तो मैं इसको ले जाती थी। इसमें काफी सारा सामान आ जाता है। मतलब मैं क्या बोले जाएंगे, बुक्स से लिख, अगर बुक्स को फोल्ड कर दूंगी छोटी बुक्स है उसमें आ जाएगी। तो यहाँ काफी सारा मेकअप, आपका फोन वोन वॉलेट सब कुछ आ जाएगा। और इसके पीछे भी एक चेन दी गई है, ये भी काफी स्पेशियस थी। कितनी स्पेशियस, उसके अंदर में जो पेन और स्केल दिख रहे हैं। जब कॉलेज में मेरे एग्जाम हुए थे तो मैं ये वाला बैग लेके जाती थी, जब से पेन स्केल पड़े हुए हैं। तो ये काफी मतलब बहुत अच्छा बैग है। अगर आपको थोड़ा स्पेशियस बैग चाहिए ना, ज्यादा बड़ा भी नहीं चाहिए, ज्यादा छोटा भी देता है, और डेफिनेटली ऐसे बैग कंसिडर कर सकते हैं। ऑनलाइन काफी मिलते हैं ऐसे बैग। और इसकी स्लिंग भी काफी अच्छी, काफी बड़ी है, तो आप उसको क्रॉस बॉडी करके कर सकते हो हैंग, या फिर ऐसे सिंपली ऐसे जैसे हम करते हैं। तो फर्स्ट परचेज मेरा ये है। अब मतलब ऐसे ही होगा, कोई ऑर्डर से नहीं होगा कि अब सेकंड परचेज ही, क्योंकि मुझे कोई रिमेम्बर नहीं है। मेरे को फर्स्ट बैग इसलिए याद है क्योंकि भाई फर्स्ट परचेज था। अब सेकंड मैं दिखाती हूँ आपका, ये मतलब ये ग्रे कलर का, ये मैंने अमेजोन से परचेज किया था, आई थिंक 400-450 में। अब मैं ऑफिस जाती हूँ, मतलब मैं वैसे वर्क फ्रॉम होम करती हूँ, बट कभी कभी वीक में या उसमें जाती हूँ तो मैं इस बैग को ले जाती हूँ। मतलब ये बैग क्वाइट स्पेशियस है, तो ये ऐसे ओपन होता है, यहाँ पे लॉक है ऐसे ओपन होता है। और मैंने इसको अभी स्लिंग बना कर, वैसे इसके मतलब शोल्डर बैग बना कर काफ़ी अच्छी स्लिंग है, सी ये ओपन हो गई इसकी सारी स्लिंग, ठीक है। तो ये इसमें आपको मेरा सामान भी काफ़ी स्पेशियस है। यहाँ पे छोटा सा पॉकेट है, यहाँ पे अपना कार्ड कैश वैश रख सकते हो। तो इसमें आपको हैंकी वो मास्क वॉलेट मिल जाएगा, क्योंकि मैं बता रही हूँ ऑफिस जाती हूँ तो यही बैग ले जाती हूँ। इसी काफ़ी स्पेशियस, में काफ़ी सारा सामान था, लिपस्टिक वॉलेट वॉलेट सब सबका मतलब सारा मेकअप आ जाएगा, आपके कार्ड सब कुछ आ जाएगा। और इसका कलर भी काफ़ी अच्छा है, मतलब काफ़ी ट्रेंडी बैग है। और इसको अब मैंने, मुझे स्लिंग थोड़ा लंबा लगता है, क्योंकि मुझे अभी इतने लंबे स्लिंग वाले बैग मुझे कुछ खास पसंद नहीं है, तो मैं इसको फोल्ड करके शोल्डर बैग बनाती हूँ। उससे काफ़ी अच्छा लगता है, इसको आप इंडियन वेयर में, वेस्टर्न वेयर में, हर ऑफिस अच्छे से स्टाइल कर सकते हो। तो मुझे ये पर्सनली बैग बहुत अच्छा लगता है, मैं इसको काफ़ी यूज़ कर लिया। मतलब मैंने इसको काफ़ी लिए हुए कम से कम 3-4 साल तो हो ही गए होंगे इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। और 400 के हिसाब से बहुत अच्छा बैग है, और अभी भी इसकी क्वालिटी एकदम वैसी की वैसी जैसे मैंने परचेज किया, एकदम ब्रांड न्यू। तो अब मुझे इस बैग का लिंक मिलेगा तो मैं डेफिनेटली इसको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, तो आप डेफिनेटली वहाँ से चेक कर सकते हैं। तो सेकंड मेरा ये है, ये परचेज है बैग का। उधर थर्ड मूविंग टू द थर्ड पर, तो ये मेरा काफ़ी क्यूट बैग है। ये मैंने क्लब फैक्ट्री से लिया था, तो क्लब फैक्ट्री बंद हो गया, मतलब अब तक काफ़ी टाइम हो गया क्लब फैक्ट्री को बंद हुए, जब मैंने उस टाइम ये लिया था। इस पर लिखा लिटिल ब्यूटी, काफ़ी क्यूट है, उसकी शाइन हो गई। मैंने ज़्यादा यूज़ नहीं किया, मैंने यूज़ किया अभी, उसकी शाइन वैसी की वैसी है। और ये मैंने आई थिंक 400-450 में, सेम जो ओवरऑल बैग है तो उसके प्राइस का ही है। और इसकी चेन में से टूट गई थी ये बैग। मतलब बोलूँगी तो ना कि बहुत ज़्यादा स्पेशियस है, बट हाँ इसमें जैसे आपको थोड़ा बहुत मेकअप और आपका वॉलेट आ जाएगा, तो इस बैग में इतना स्पेस है तो मतलब आ जाएगा। और इसकी शाइन, इसका शाइनी मटेरियल काफ़ी अच्छा है। और इसके यहाँ पे ब्रॉड स्ट्रैप्स हैं, इसके स्ट्रैप पे कुछ कुछ लिखा हुआ है, पता नहीं क्या लिखा है, सिट हैंडल न्यू फैशन ऐसे ऐसे कुछ लिखा है। तो काफ़ी कूल है, मतलब जब कभी आपको होता है कूल लुक चाहिए होता है, तो उसके लिए आप डेफिनेटली ऐसे बैग्स कंसिडर कर सकते हो। मतलब इसको क्रॉस बॉडी करके तो काफ़ी कूल लगता है, इसकी स्ट्रैप ऐसे आ जाती है बॉडी पे, तो काफ़ी पसंद है। जैसे आप जॉगर्स पहन रहे हो, कार्गो पैंट्स पहन रहे हो, बाल खराब हो गए,
तो उन सब आउटफिट के साथ ऐसे बैग्स काफ़ी अच्छे लगते हैं, क्योंकि उसके लिए आप जो वो स्टाइलिश बैग होते हैं जो मैंने ऐसे दिखाए थे आपको स्लिम बैग, उनके साथ ऐसे बैग अच्छे नहीं लगते। उनके साथ ऐसे जो होते हैं ना मतलब बॉक्स में, और इसके शेप भी एकदम वैसे का शेप मतलब मुड़ती नहीं है, और उसमें आप कुछ सामान डालोगे उसकी शेप और अच्छी एकदम फिक्स हो जाएगी बॉक्स साइड, तो काफ़ी अच्छा। और बैग की क्वालिटी अभी भी वैसी की, काफ़ी टाइम हो गया मतलब मैंने तो ज़्यादा मतलब एटलीस्ट 5-6 बार तो बाहर गई हूँ इसको लेके, बट इसका मटेरियल अभी बहुत अच्छा है और प्राइस के अकॉर्डिंग एकदम परफेक्ट है। तो ये भी क्यूट टाइप बैग है, ये मैंने सरोजिनी से परचेज किया था आई थिंक 200-250 में। मुझे वैसे ऑनेस्टली अभी तक अच्छा लगता है, थोड़ा बच्चों टाइप लगता है ये बैग, मैंने कुछ ज़्यादा यूज़ भी नहीं किया। तो ये इसका ट्रांसपेरेंट मटेरियल है और इसके अंदर ना एक पाउच है, पाउच में सेपरेट भी हो सकता है, तो आप इसको ऐसा मेकअप पाउच भी कंसिडर कर सकते हो अगर आपको ऐसा मतलब आप कहीं ट्रैवल कर रहे हो तो इसमें मतलब थोड़ा बहुत सामान डाल सकते हो, अगर आपको ज़्यादा सामान ले जाना तो इसमें ये पाउच है। और यहाँ पे मतलब दो हैंडल दिए, हैंडल पे इस पर रिबन लगा है और इसकी बड़ी सी इसकी भी स्लिंग है, और इस पर यहाँ पे क्या है किट्टी है पता नहीं, आई डोंट नो क्या है, काफ़ी क्यूट सी है। तो वैसे मुझे थोड़ा भी थोड़ा बच्चों टाइप लगता है, मैं ज़्यादा यूज़ नहीं करती, अगर आप कोई छोटा बच्चा है मतलब छोटे उसको ऐसे बैग डेफिनेटली दे सकते हैं, उन पर काफ़ी क्यूट लगेगा, हम लोग भी ले सकते हैं, बट ये मुझे थोड़ा मैं इसको कम ही यूज़ करती हूँ एक तरीके से, तो मैंने इसको यूज़ किया है। तो इसमें आप थोड़ा संभाल के कि आप ट्रैवल करो तो आपको अपने बैग का ध्यान रखना, कहीं आपको कोई पाउच ही निकाले अगर आपके किसी से पैसे हैं तो, और इसमें भी थोड़ा सा आपके लिपस्टिक साथ थोड़ा बहुत मेकअप आ जाएगा और आपका वॉलेट आ जाएगा आराम से। तो क्यूट है और ये प्राइस के अकॉर्डिंग ठीक है, 200-250 पे था, तो मैंने ये लिया था सरोजिनी से, जब मुझे बहुत पसंद था तो मैंने इसको परचेज कर लिया था। तो नेक्स्ट एक क्लासी सा बैग है मतलब पॉलका डॉट्स, यहाँ पर डॉट्स बने हुए काफ़ी अच्छा है, मैंने इंस्टा की साइट से परचेज किया था, मुझे उनका नाम याद नहीं आ रहा, मतलब मुझे नाम मिलेगा तो मैं यहाँ पर कहीं मैंशन यहाँ पर डिस्क्रिप्शन मैंशन कर दूँगी। तो इसका पर्ल्स का हैंडल है, इसको आप डेफिनेटली ऐसे तो कैरी कर सकते हो, फिर ओपन यहाँ पर इसे ओपन करने का है, तो ये भी मतलब ज़्यादा स्पेशियस नहीं है, मतलब थोड़ा बहुत स्पेशियस में साथ में इसकी स्लिंग भी है, तो आप इसे डेफिनेट स्लिंग से कैरी कर सकते हो और इसके हैंडल से भी, बट मुझे पर्सनली इसे हैंडल से ज़्यादा मतलब ऐसा क्लासिक सा लुक आता है, मतलब कोई अच्छा सा आउटफिट पहन रहा है तो फिर ऐसे मुझे बहुत पसंद है, पर मैंने सिर्फ उसे एक बार यूज़ किया और अभी थोड़ा सा यहाँ से येलो होने लग गया क्योंकि वाइट है ना, और मैंने इसे पॉली बैग में अच्छे से संभाल के रखती हूँ, बट फिर भी वाइट के साथ ऐसे होता है, तो काफ़ी क्यूट है ये बैग और ज़्यादा महंगा भी था, बहुत अच्छा था, मुझे बहुत पसंद आया था ये बैग। अब मूविंग टू वो अगर हमें पार्टी अप्रोप्रिएट बैग चाहिए होता है तो उसके लिए मेरे पास ऑप्शन है, ये काफ़ी कितना अच्छा स्लीव्स और डिज़ाइन का पैटर्न कितना सुंदर है, उसमें जो मैट फिनिश है ना बहुत सुंदर है, ये शीन से परचेज किया था जो शीन अब बंद हो गया, और ये भी मतलब 400-450 की प्राइस पे था, काफ़ी अफोर्डेबल। और इसका जो लॉक है ये मुझे काफ़ी पसंद है, ये ऐसे ओपन होता है, इसको हम ट्विस्ट कर देंगे तो ये ओपन हो गया था। उस पर न्यूज़पेपर हम अंदर रखते तो बैग का वो साइज़ है वो एकदम वैसा रहता है कॉम्पैक्ट टाइप, मतलब बैग पिचकते नहीं है, उस मैं हमेशा बैग में नहीं जाता न्यूज़पेपर रखने की कोशिश करती हूँ उस पर रखे हुए। और इसमें भी अंदर स्लीव चेन दी गई है और साथ में यहाँ पे बेल्ट भी है, तो आपके शोल्डर पे ग्रिप बनी रहे, आपको बैग फिसले नहीं, और इस बैग पे भी मतलब ठीक स्पेस है, आपका थोड़ा बहुत मेकअप वॉलेट आ जाएगा, फ़ोन भी आ ही जाएगा आपका इस बैग में। भाई जो पार्टी अप्रोप्रिएट होता है आपको अगर अच्छे से पार्टी में जाना है, डिनर में जाना है, लंच में जाना है अच्छे से, तो उस टाइप के फंक्शन में ऐसे बैग्स काफ़ी अप्रोप्रिएट है, उसको वेडिंग में भी कंसीडर कर सकते हैं क्योंकि ब्लैक है तो ब्लैक सब और ब्लैक कलर तो ब्लैक सब आपके साथ चल जाता है, तो वो शीक लुक के लिए ना ऐसे वाले बैग एकदम परफेक्ट होते हैं। तो मैंने एक ऐसा बैग अपने उसमें बैग कलेक्शन में ले रखा कि भाई कभी ऐसी जरूरत पड़ जाए तो मैं इस बैग को डेफिनेटली यूज़ कर सकती हूँ, और प्राइस के अकॉर्डिंग बैग भी काफ़ी अच्छा है, ये भी इस बैग को काफ़ी टाइम हो गया, इसकी क्वालिटी अभी भी टॉप नॉच है, जो जैसी आई थी वैसी ही है, तो एकदम परफेक्ट। तो घर में बहुत ज़्यादा हो रही थी तो मैंने अपना थोड़ा सा हेयर स्टाइल चेंज कर लिया, अब मुझे थोड़ा बेटर लग रहा है, चलो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो अब मैं आपको थोड़ा मेरा मोस्ट फेवरेट और ये भी कह सकते मैंने रिसेंटली परचेज किए तो वाले बैग दिखाती हूँ। तो सबसे ज़्यादा मेरा मोस्ट फेवरेट और क्यूटेस्ट बैग है मेरे पास, तो ये लेवेंडर कलर है, काफ़ी क्यूट है, मतलब कैमरे में इसका कलर थोड़ा डल लग रहा है बट रियल सामने देखो उसका कलर बहुत प्रीटी है, एकदम जो परफेक्ट लेवेंडर कलर होता है ना वो है। तो इसका क्यूट सा हैंडल, इसको आप डेफिनेट ऐसे तो कैरी कर सकते हो, अब मैं इसको ओपन करके दिखाती हूँ, सिंपल ऐसे ओपन हो जाता है, ओपन हो गया, और इसमें साथ में हमें चेन मिल गई तो आप उसको स्लिंग भी बना सकते हो, बट मुझे पर्सनली ऐसे मैंने आपको बताया पहले जैसे मुझे ऐसे हैंडल वगैरह ऐसे कैरी करने में पसंद है। तो आप इधर से अगर आपको बहुत सारा सामान डालना था तो ये बैग आपके लिए नहीं होते, मैं तो थोड़ा बहुत जैसे आपको एक लिपस्टिक डालनी है आपके फ़ोन भी फिट नहीं आएंगे, और थोड़ा बहुत कैश डालना थोड़ा बहुत पैसे, तो आप डेफिनेटली मतलब फोटो बैग ना फोटोजेनिक ही होते हैं, आप फोटोज़ के लिए काफ़ी अच्छे रहते हैं बैग, बाकी आप अपने बैग में अपनी दुनिया आप घूमते हो तो डेफिनेटली वाले बैग आपके लिए नहीं है। तो मुझे तो ऐसे छोटे छोटे बैग ऐसे क्यूट मतलब स्लिंग बैग बहुत क्यूट लगते हैं,
मेरे को काफ़ी अच्छा है, सो कलर काफ़ी प्रिटी है। तो मेरा भी रिसेंटली अपने बर्थडे पे भी सिर्फ फोटोज क्लिक करवाई थी, मैं यहाँ पे इंसर्ट कर दूँ तो आप देख लो, बहुत क्यूट लग रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था। और मतलब दो तीन सब लोगों ने बोला वो बैग बहुत ज़्यादा क्यूट है। और इसका प्राइस ये मैंने इंस्टा की से ली थी, साइट से सकुजा ब्रिज या सकुजा स्पार्कल, उनके दो पेजेस है वहाँ से लिए थे। तो इसका कॉस्ट 800 था, थोड़ा एक्सपेंसिव है बट क्यूट है, तो मुझे बहुत पसंद है बैग। सेकेंड क्यूटेस्ट बैग ऑफ दिस हॉल इज दिस येलो कलर की, कितना क्यूट है। और यहाँ पे डी बना, वैसे डियोर का है, पता नहीं किस चीज़ का, वैसे मेरे नाम से ये डी अल्फाबेट काफ़ी फिट बैठता है। और काफ़ी क्यूट है, काफ़ी छोटू सा, काफ़ी क्यूट है। तो इसमें हैंडल नहीं, इसमें स्लिंग नहीं है, ये इसकी स्लिंग गोल्डन कलर की, काफ़ी अच्छी क्वालिटी की स्लिंग है, तो बहुत क्यूट लगता है। मैंने फ्रेंड के बर्थडे पे गई थी तो मैंने इसको कैरी किया था, वहाँ पर सब लोग मुझे बोलते थे मेरा बैग बहुत क्यूट लग रहा है। तो ये बहुत छोटा सा, इसमें ऑब्वियसली सामान तो आएगा ही नहीं, बस अब थोड़ा बहुत, जब मैं फ्रेंड के ऑर्डर गई थी मैं कुछ नहीं कह रही, मैं थोड़ा बहुत उसने अपना वॉलेट आ गया था छोटा वाला, जो मैंने पहले दिखाया था वीडियो में, वो वॉलेट आ गया था। एक लिपस्टिक आ सकती है बस, उससे ज़्यादा इसमें कुछ नहीं आएगा। बाकी ऐसे फोटोज़ के लिए बैग काफ़ी क्यूट है, उसका कलर भी येलो, एकदम ब्राइट येलो है, बहुत ज़्यादा प्रिटी। ये भी मैंने इंस्टा की साइट से, अंदर ट्रेंड सेटर ऐसा कुछ नाम था उनका, पता नहीं मैं सही बोल रही हूँ बस, तो मुझे मिलेगा तो मैं डिस्क्रिप्शन का लिंक दे दूँगी। उनसे बैग मैंने 450 रुपये मिल गया था, और फिर 100 रुपये में डिलीवरी भी लगे थे, विच इज़ डिसअपॉइंटिंग थिंग, बट कोई नहीं, मुझे बैग बहुत ज़्यादा पसंद था, मेरे विशलिस्ट में काफ़ी टाइम से था, फिर फाइनली मैंने ये परचेज़ कर लिया। सी कितना क्यूट है ये, मैं आपको उसका डिज़ाइन का पैटर्न काफ़ी अच्छा, काफ़ी अच्छी क्वालिटी का, मतलब मोर जब प्लास्टिक होते हैं ना उसका है ये, बहुत ज़्यादा प्रिटी है ये बैग, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है ये। और मेरे क्यूटेस्ट बैग की कैटेगरी में बस एक और बैग है, वो आपको दिखा दूँ, वो बहुत ज़्यादा क्यूट है, बहुत छोटू सा, तो सी कितना छोटू सा, कितना क्यूट है, ब्लैक कलर का। और इस वजह से मैंने आपको एक बैग दिखाया था, मैंने ये पर्ल सेम ऐसे, इसका भी मतलब क्या बोलते हैं हैंडल ऐसे सेम है पर्ल वाला, काफ़ी क्यूट है। और यहाँ पर डिज़ाइन है ब्लैक कलर का, तो आप इसको ओपन करते हो, इसका ऐसे ओपन करने का स्टाइल है, काफ़ी क्यूट है, काफ़ी इसको भी आप स्लिंग की तरह भी कैरी कर सकते हैं। यहाँ पर चेन दी हुई है, चेन की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, मैं आपको पास से बैग का क्लोज दिखाती हूँ, काफ़ी अच्छा, काफ़ी शाइनी मटेरियल है। तो ये भी बहुत छोटा सा बैग है, सब कुछ कैरी नहीं कर सकते, बस थोड़े बहुत पैसे या लिपस्टिक आ जाए, और आप इसे फोटो को, और मुझे तो ऐसे ही पसंद है ऐसे कैरी करने से, मैंने बताया है। और मैंने ये इंस्टा की साइट से लिए, मायो स्ट्रीट है उनका नाम, तो वहाँ से परचेज किया। ये मेरे ख्याल से 450 रुपये का था, मतलब ऐसे बैग हमेशा हर जगह मिल रहे हैं, जैसे ऑनलाइन ऑफलाइन हर जगह, काफ़ी क्यूट लगते हैं ऐसे बैग, मुझे बहुत पसंद है। मूविंग टू द लास्ट बैग ऑफ दिस हॉल, ये मैंने रिसेंटली परचेज किया, ये रिसेंटली मैंने भी मैं और मेरी सिस्टर सरोजनी गई थी, वहाँ से गए, कुछ अलग कलर है, ऑलिव ग्रीन कलर है, और इसकी यहाँ पे चेन है, मतलब शोल्डर, बेसिकली शोल्डर बैग है, काफ़ी ऐसे अच्छा लगता है बैग। आजकल शोल्डर बैग सबको पता है कितने ट्रेंड में है। ये भी ज़्यादा स्पेशियस नहीं है, यहाँ पे बस एक ही जिप है, तो जिप को ओपन करेंगे ना तो यहाँ पहले तो अभी यूज़ नहीं किया, तो एकदम वैसे का वैसे पड़ा है, तो बहुत कम सामान आएगा आपका, वो थोड़ा बहुत कैश और एक आधी लिपस्टिक आ जाएगी, तो काफ़ी कम स्पेशियस है, बट फोटोज़ के लिए ऐसे मतलब काफ़ी अच्छा था। उसमें यहाँ पे चेन दी हुई है, यहाँ पे ऐसे भी, तो काफ़ी चेन की क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है, बैग की क्वालिटी भी। ये हमें 350 रुपये मिला था, जैसे 200 रुपये में बैग्स की रेट ऐसे स्टार्ट होती है 350 रुपये में, तो हमने 300 रुपये में लिया था। सरोजनी स्टार्टिंग में घुसते सब्जी मंडी वाली ली थी, वहीं से हमने परचेज किया था, तो मतलब वैसे मेरी सिस्टर को बहुत पसंद आ रहा था, तो उसने लिया था ये बैग, मुझे काफ़ी अच्छा लगा। इसका कलर भी वैसे कुछ कलर का बैग है नहीं, तो काफ़ी अलग कलर हो गया, और 300 रुपये के हिसाब से काफ़ी सा, अगर आप ऑनलाइन लोगे तो काफ़ी महंगा मिलेगा, बट उसमें कितनी अच्छी शाइन है देख पा रहे हैं, बहुत प्रीटी बैग है। और आज के शोल्डर बैग तो है ट्रेंड में, तो काफ़ी अच्छा बैग है ये। एक्सेप्ट फॉर टूडेज वीडियो, मुझे तो अपने सारे बैग काफ़ी पसंद है, जो मैंने अभी रिसेंट में मतलब लास्ट में दिखाए वो तो मेरे सब फेवरेट हैं। आप बताना कि आपको कौन सा बैग ज़्यादा पसंद है। मेरा पर्सनली पूछा जाए तो मुझे ये येलो वाला पसंद है, और ये लैवेंडर कलर का जो मैंने दिखाया था ना आपको, ये दोनों मेरे ज़्यादा सबसे ज़्यादा फेवरेट है, क्यूट स्लिंग बैग, तो मुझे तो बहुत पसंद है। आप मुझे बताना कि आपको कौन सा बैग अच्छा लगे, और वीडियो अच्छी लगे तो आप बताइए क्या करना है, आपको लाइक करना है, कमेंट करना है, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, और मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लेना। मैं मिलूंगी आपको नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय, टेक केयर।